सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आरवी कस्टम्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए। मैं अभी कॉलेज से छूटा था बस, तो मैं सोचा यार एक बार किया कि बड़ी तारीफ सुनी थी मैंने सेल्टॉस की कि 11 लाख में बेस वेरिएंट में बहुत कुछ चीज़ें आ रही है। तो मैं सोचा यार अभी चलते हैं किया मोटर्स में, एक बार चेकआउट करते हैं किया सेल्टॉस को, और इस गाड़ी का भी रेट लगवाएंगे कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी क्या है किया मोटर्स पे जाके। तो अभी तो हम 12 सेक्टर में हैं फरीदाबाद, तो हम जाएंगे मथुआ रोड में किया मोटर्स, ढिंगरा किया मोटर्स वहीं पे ही है, बड़कल पुल के पास में है। तो वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या रीसेल वैल्यू रहती है अपनी टिगोर की। और सेल्टॉस का बड़ा मन था यार देखने का ना, तो एक बार सेल्टॉस भी चेकआउट करेंगे। और अभी तो मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, उसे ले कर ही चलूँगा। तो चलते हैं, अभी धूप तो यार बहुत हो रही है, अभी बस कॉलेज से छूटा ही था मैं, तो चलते हैं अभी सीधा वहीं चलते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं तो यार किया सेल्टॉस मुझे वैसे तो नहीं पसंद, क्योंकि उसकी सेफ्टी रेटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरा तो यही मन था अगर मैं फ्यूचर में कोई गाड़ी किसी के लिए देखता हूँ या किसी को चाहिए या अपने लिए चाहिए, तो मैं तो यही सोचता था यार कि टाटा की ही लूँगा, टाटा से कहीं और दूर नहीं जाऊँगा मैं। लेकिन यार जब मैंने सेल्टॉस की वीडियो देखी ना, तो मुझे पता चला यार चार चार एयरबैग है बेस वेरिएंट में, और अपना टायर मॉनिटरिंग सिस्टम दे रखा है उसमें, बेस वेरिएंट में सिस्टम दे रखा है। बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपना ORVM एडजस्ट मैनुअल होता है, लेकिन वो सब तो चल जाता है यार। लेकिन गाड़ी ना मुझे एकदम वैल्यू फॉर मनी सी लग रही थी, तो भाई है एक बार देख के आएंगे कैसा क्या। अभी थोड़ा सा मैं एक दो घंटे फ्री भी हूँ, तो एक बार देख आते हैं, घर के पास भी है, चलता हूँ मैं अभी। अभी तो मैं अपना ग्रेटर फरीदाबाद साइड में आ गया, मैं अपने फ्रेंड को उठाता हूँ और फिर साथ चलेंगे। क्योंकि यार जिस हिसाब से हमारी रोड हो चुकी है ना, खासकर मैं आपको बताऊँ फरीदाबाद की रोड ना पहले बहुत अच्छी हुई करती थी 2 साल पहले, लेकिन फरीदाबाद की रोड पूरी ख़राब हो चुकी है। और जहाँ मेरा होम टाउन है ना, होम टाउन मेरा रोहतक की साइड में पड़ता है, झज्जर या रोहतक वगैरह की साइड में पड़ता है, तो उन लोगों को पता होगा जो लोग झज्जर वगैरह या जाते हैं कि रोड बहुत ख़राब है यार, है ना। उस साइड की रोड बड़ी ख़राब सी है, हरियाणा की रोड ही मेरे को लगता है ख़राब ही है यार। मैं इतनी दूर दूर गया हूँ, राजस्थान तो तब भी अच्छा है रोड के मामले में, लेकिन हरियाणा की हर रोड ना बेकार ही है। तो मैं वही सोच रहा था यार अपने होम टाउन इस गाड़ी से जाते हैं ना, तो भाई साहब परेशान हो जाते हैं यार, इतने गड्ढे फील होते हैं ना। अब जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं गया था अपने होम टाउन, तो यार इतनी ख़राब सड़क थी ना, तो गाड़ी का लिंक रोड वाला सिस्टम पूरा हिल चुका है। इसका भी वही कराऊंगा मैं फ्यूचर में। और भाई अगर इसकी जगह कोई दूसरी गाड़ी होती ना, सेल्टॉस या नेक्सॉन जैसी गाड़ियाँ होती जिनके मोटे टायर चौड़े टायर रहते हैं, सस्पेंशन के उन्हीं हिसाब से ट्यूनअप रहते हैं, तो वो गाड़ियाँ झेल लेती है इतने गड्ढे ना। सेडान ये जो अपनी टिगोर है ये भी झेल लेती है, लेकिन यार इतनी ख़राब सड़क में चलाना ना, सेडान है ही नहीं, ख़राब सड़कों के लिए सेडान है ही नहीं। फिर वही है चू चू आवाज़ें आने लग जाती है गाड़ी में से, तो वही है मेरा मन था यार एक बार। वैसे तो अभी लेने का कुछ प्लान नहीं है, लेकिन एक बार देख के तो आ ही सकते हैं, और इस टिगोर की भी वैल्यू लग जाएगी कि क्या है। तो बस चलते हैं वहीं पे, सीधा वहीं दिखाता हूँ शोरूम में पहुँच के। तो हम यार भाई की सोसाइटी में आ चुके हैं, सोसाइटी का नाम नहीं दिखाऊंगा, एरिया दिखा देता हूँ अपना, सब पहचान जाना कौन सी सोसाइटी है। तो अपन अपने भाई को पिक करते हैं और फिर चलते हैं किया मोटर्स, और फिर देखते हैं यार धूप तो बहुत हो रही है यार, इतनी धूप में पता नहीं लोग कैसे निकल रहे हैं। गाड़ी से निकलो तो ठीक है, वरना बाइक स्कूटी में ना हालत टाइट हो जाती है। मैं कभी कभी जाता हूँ ना कॉलेज अपनी बाइक से ही जाता हूँ, तो भाई साहब हालत टाइट हो जाती है। तो चलो यार चलता हूँ। तो भाई किया मोटर्स आ चुके हैं, गाड़ी को लगाते हैं अब यहाँ पे। यहाँ आ जाएगी? यहाँ तो मुश्किल आएगी, यहाँ नहीं आएगी, थोड़ा सा बैक लेके। तो चलो गाड़ी लगा के बात करता हूँ, देखते हैं अंदर जाके। तो भाई टेस्ट ड्राइव ले ली है, टेस्ट ड्राइव यार HTX किसकी, HTK प्लस IMT वाली जो है वो रेड कलर की, उसकी हमने ली थी, और चलने में स्मूथ थी यार, पिकअप विकअप भी ठीक था। थोड़ी सी लैगी तो लगी फोर्थ गियर में, मेरे को थोड़ा जब पंजा दबा रहा हूँ तब लैगी लगी, बाकी वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो चलो आगे बात करते हैं और गाड़ी के बारे में बात करते हैं कितने की पड़ रही है। तो भाई ये है लेटेस्ट प्राइस इसका, हम गए थे बेस मॉडल लेने, बेस अपन को एक्सटेंड वारंटी वगैरह सब मिला के पड़ रही थी 12 लाख की, है ना।
तो लेकिन हमें एक पसंद आई, लेकिन वही IMT वाली पसंद आई हमें, HTK प्लस हमें पड़ेगी 12,40,000 के आसपास की, और वो भी वेटिंग है गाड़ी में, तीन चार महीने की वेटिंग है। 14,20,000 की पड़ रही है IMT। 14 लाख की पड़ रही है? 14 लाख की पड़ रही है। 14,20,000 की नॉर्मल HTK प्लस है, 14,40,000 रुपए या 46,000 रुपए की तेरी IMT है। पर भाई यहाँ फर्क देख, सिर्फ 40,000 रुपए का है, 40-42,000 रुपए का। और उसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि इस इन दोनों में ना, एक तो सनरूफ का डिफरेंस है, एक हमको IMT मिल जाएगा 40,000 रुपए में ही, और साथ में उसके अंदर मैनुअल कंट्रोल है, और जो हमारी ये है ना HTK प्लस IMT, इसके अंदर यहाँ जो ऑटोमेटिक जो कंट्रोल्स होते हैं ना AC के, वो है, इसके अंदर मैनुअल है। टच स्क्रीन भी मिल जाएगा आपको, अलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे। तो भाई मेरे ख्याल पे ना, जो लोग HTK प्लस ले रहे हैं उससे ज्यादा बेटर है HTK प्लस IMT लेना, लेकिन भाई फीचर ज्यादा है। HTE हमें 12 की पड़ रही है ना, HTE हमें 12 बेस मॉडल जो एकदम बेस है, जिसमें ऐसी सी स्क्रीन मिलेगी और आपको स्टील रिम्स मिलेंगे, वो खड़ी नहीं है, तो एक्सटेंड वारंटी के साथ मिलेगी, और वो इन पे खड़ी नहीं थी, तो और वेटिंग भी ज्यादा है, वेटिंग तो भाई तीन चार महीने 8 महीने तक की वेटिंग इसकी जा सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको शायद जल्दी भी आ जाएगी, भी मिल सकती है, कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन 8 महीने मैक्सिमम है। गाड़ी तो बढ़िया है यार, बस ये है अंदर बैठने में ना छोटी छोटी सी फील हो रही थी मेरे को, तो नेक्सॉन जैसी लग रही थी, बाकी पता नहीं क्यों लग नहीं रही थी नेक्सॉन जैसी, अंदर बैठ के ना ऐसा लग रहा है जैसे हमारी खुद की गाड़ी है ना, नेक्सॉन टिगोर जैसी, मतलब चलाने में ना इतनी बड़ी गाड़ी बड़ी लगती नहीं है, बड़ी गाड़ी है, तो ये ना एक पॉजिटिव पॉइंट ही है भाई, वैसे देखा जाए कहीं भी आप घुसा सकते हो गाड़ी, बड़ी गाड़ी है पर लग छोटी है, तो यार बढ़िया है, तो चलो यार चलते हैं अभी देखेंगे। और अपनी अपनी गाड़ी की वैल्यू लग नहीं पाई क्योंकि उनका कोई बंदा था नहीं, और उन्होंने साफ बोल दिया आप बाहर बेचो तो और अच्छी प्राइस मिलेगी, तो हम देखेंगे इसके बारे में अब क्या होता है। तो यही थी आज की वीडियो, ओके बाय।